नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेवी मजा एक और एपिसोड में। और आज आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हम लोगों ने एक सेटअप बनाया हुआ है जिसमें हम लोग चेक करने वाले हैं, लाइव टेस्टिंग करने वाले बीएनक्यूएस वर्सेस लेक्स प्योर का लेक्स क्रू क्लासिक पंप। दोस्तों ये दोनों के दोनों 100 GPD पंप है और हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप क्या बनाया फटाक से मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 100 GPD के पंप से एक बीएनक्यूएस 100 है और एक क्लासिक लेक्स क्रू का क्लासिक 100 है। ये दोनों कनेक्टेड है दोस्तों एक बकेट ऑफ वाटर से, जहां से हम लोग इनपुट वाटर ले रहे हैं, यानी कि हम लोग 0 TDS पानी देने वाले हैं, सॉरी हम लोग 0 PSI पानी देने वाले हैं इनको। दोनों पंप यहां से पानी उठाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग ने उसके आउटपुट पे लगाया हुआ है एक एक प्रेशर गेज, जो आपका जो प्रेशर है वो मेजर करेगा। और उसके बाद में हम लोगों ने लगाया प्रेशर जनरेट करने के लिए फ्लो रिस्ट्रिक्टर। हम लोग जनरली मेम्ब्रेन लगाते हैं तो हम लोग फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगा के प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। मेम्ब्रेन लगाए या फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगाए एक ही बात होती है, आप पंप चेक करने के लिए फ्लो रिस्ट्रिक्टर यूज कर सकते हैं कितना PSI का प्रेशर दे रहा है। तो दोस्तों मैंने दोनों में सेम SMPS लगाया हुआ है, ये एकॉर्ड का SMPS है 24 वोल्ट का, दोनों तरफ वही 24 वोल्ट सप्लाई दिया गया है। अभी हम लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं और जो भी पानी है वो वापस यही बकेट के अंदर जा रहा है। तो दोस्तों चलिए ये बड़ा टेस्ट हम लोग करने वाले हैं कि लेक्स प्योर का जो पंप है और जो बीएनक्यूएस का पंप है दोनों में मतलब कैसा परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस वाइज कैसा है दोनों का। तो चलिए दोस्तों दोनों को सप्लाई देते हैं और शुरू करते हैं। दोनों पंप्स को सप्लाई दे दिया है मैंने, दोनों पंप्स इनिशियलाइज हो चुके हैं दोस्तों, दोनों को सेम सप्लाई है, ध्यान में रखिएगा दोनों को सेम सप्लाई दिया जा रहा है। और आपको मैं थोड़ा करीब ले जाना चाहूंगा हमारे प्रेशर गेज के पास, मुझे थोड़ा पानी का ये भी संभालना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग जाते हैं प्रेशर गेज के नजदीक और देखते हैं क्या है, क्या रीडिंग है। और 2 ही मिनट दीजिए दोस्तों। देखिए आप देख सकते हैं ये जो प्रेशर गेज है ये बीएनक्यूएस का है, ये कितना दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आप उसको लाइट में लाने की कोशिश करते हैं हम लोग, और थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, वायर जो है पानी छोड़ मतलब जगह छोड़ के जा रही है। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है प्रेशर आ रहा है 80 के आसपास, 0 प्रेशर से 80 के आसपास ये प्रेशर दे रहा है, लेकिन बहुत ही फ्लक्चुएशन है। हाँ और ये क्लासिक पंप है लेक्स प्योर का, ये दे रहा है आपको 90 के आसपास प्रेशर, लेकिन कम ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों ये लाइव हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि दोनों का जो प्रेशर है जो आप देख सकते हैं ये आपका ये प्रॉपर 80 के आसपास जा रहा है, वेर एज लेक्स प्योर का जो है वो 90 के आसपास जा रहा है, लेकिन कम ज्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों 0 प्रेशर में ये परफॉर्मेंस है, लेक्स क्रू का जो पंप है वो यहाँ पे जो है लाइव टेस्ट में आप देख सकते हैं 0 इनलेट पे भी वो प्रॉपरली आपको 80-90 के बीच में प्रेशर दे रहा है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन फ्लक्चुएशन तो दोनों इसमें है। लेकिन बीएनक्यूएस का जो है 80 तक दे रहा है, लेकिन लेक्स प्योर का जो है वो प्रॉपर 90 तक दे रहा है दोस्तों। तो हम लोग मतलब ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि 0 प्रेशर में भी, 0 इनलेट प्रेशर में भी आपका जो क्लासिक पंप है लेक्स क्रू का ये थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि फ्लक्चुएशन तो आपको दोनों इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जो प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है वो आपको लेक्स प्योर के इसके अंदर देखने को मिल रहा है। और आपको दिखा दो दोस्तों दोनों के दोनों SMPS जो है वो सेम रेटिंग के मैंने लगाए, 24 वोल्ट के है, 2.5 एम्पियर के, दोनों को सेम पावर सप्लाई दिया गया है और कहीं पे भी मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, दोनों को एक ही बकेट में से पानी दिया गया है और दोनों एक ही बकेट में से जो है पानी पंप कर रहे हैं। और ये मेरा एक पर्सनल जो टेस्ट है, टेस्ट रिजल्ट है, तो इस रिजल्ट में मैं कहूंगा कि लेक्स प्योर जो पंप है लेक्स क्रू का, लेक्स प्योर क्लासिक पंप है जो
बीएमक्यूएस से बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा, ये टेस्ट अच्छा लगा, तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। और आगे हम लोग जरूर एक और टेस्ट करेंगे, जिसमें हम लोग कंपेयर करेंगे ज़ुआनली के पंप को बीएमक्यूएस के पंप के साथ में, और फिर देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। उसके लिए प्लीज थम्स अप जरूर दीजिए दोस्तों। अगर ये वीडियो को कम से कम 100 थम्स अप मिलते हैं, तो हम लोग आगे के वीडियो में ज़ुआनली वर्सेस बीएनक्यूएस जरूर जरूर करेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।